हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर बीएड सेकेंड सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट है शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और आज ये हमारा यूनिट फोर्थ शुरू हो रहा है, यानी यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड और यूनिट थर्ड बहुत ही अच्छी तरीके से समझाते हुए समाप्त किया जा चुका है। और आज से हमारा यूनिट फोर स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक, जिसमें कि दो या तीन वीडियो में ये भी समाप्त किया कर दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है नहीं, पर क्योंकि बांटा गया है, यूनिट हमारा दिया गया है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं कि हमें यूनिट फोर्थ में पढ़ना क्या है। देखिए, यूनिट फोर्थ में पढ़ना है कि अनुसंधान प्रतिवेदन एवं क्रियात्मक अनुसंधान प्रारूप, रिसर्च रिपोर्ट एंड एक्शन रिसर्च फॉर्मेट, इसके बारे में पढ़ना है। तो आज के हम पॉइंट लिए हैं इसमें से पहला, यानी हमारा है अनुसंधान प्रतिवेदन का अर्थ एवं परिभाषा, यानी रिसर्च रिपोर्ट की मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। रिसर्च रिपोर्ट, ठीक, देखते हैं सबसे पहले इसका अर्थ क्या है कि किसी भी अनुसंधान को पूर्ण करने के पश्चात अंत में अनुसंधान के दौरान प्राप्त हुए तथ्यों के आधार पर लिखा गया लेख ही प्रतिवेदन है। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हिंदी हो गया इसको और किताबी भाषा हो गया, थोड़ा सा इसको सरल भाषा में समझते हैं, आम बोलचाल की भाषा में। अब तक हम पढ़ते हुए क्या आ रहे थे, पिछले वीडियो में क्या पढ़ा, यूनिट थर्ड के जो हमारा लास्ट था, एंडिंग किससे हुआ था, हुआ था कि इवेल्युएशन हो रहा था, इवेल्युएशन करने की विधियाँ, किन किन प्रकार से जो इवेल्युएशन मूल्यांकन किया जा रहा था। मूल्यांकन करने के बाद रिसर्च में क्या होता है कि एक रिपोर्ट बनती है। आप एक रिसर्चर सारे काम कर दिए, प्रॉब्लम उनको आपको दे दिया गया, आप प्रॉब्लम पर वर्क किए, हाइपोथेसिस बनाए, उसके बाद जब रिपोर्ट आप देते हैं, जो अपना रिजल्ट एंड रिजल्ट जब देते हैं, तो सामने वाला उसका मूल्यांकन करता है, और मूल्यांकन करने के बाद वो अपने से एक रिपोर्ट बनाता है। जब तक वो रिपोर्ट नहीं बनेगी आपका रिसर्च मान्य नहीं होगा, ये रिसर्च का मतलब है। और अधिक सरल भाषा में समझे तो ये कह रहा है कि किसी अनुसंधान को पूर्ण करने के पश्चात, बोला है जस्ट मैंने बताया, पूर्ण करने के पश्चात अंत में अनुसंधान के दौरान प्राप्त तथ्यों के आधार पर, ठीक है, प्राप्त तथ्यों के आधार पर लिखा गया लेख ही प्रतिवेदन है। यानी कि आप सिंपल समझ में भाषा में समझिए कि एक होता है जिसे फीडबैक होता है, फीडबैक होता है, बस आप उसको एक इसकी तरफ से समिटरसी रख सकते हैं, इसका एक प्रारूप से फीडबैक को ही मान सकते हैं। कि जैसे आप किसी चीज़ के फीडबैक देते हैं, सपोज़ दैट कि आपने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया कोई भी चीज़, मान लीजिए कि आपने ब्लूटूथ एयरबड, बोट का एयरबड आपने ऑर्डर किया या ऑर्डर करने वाले हैं, तो उससे पहले आप क्या देते हैं, आप रिव्यू देखते हैं। तो रिव्यू क्या देखते हैं कि कुछ लोग बहुत अच्छी तरीके से उसके बारे में लिखे रहते हैं, भाई आप उसको यूज करेंगे तब उसके बारे में जानेंगे, लेकिन कुछ लोग जब यूज किए रहते हैं उस पर, मतलब शोध रिसर्च किए हुए रहते हैं, तो अच्छे से बताते हैं कि कितने मिनट पर चार्ज हो जाएगा और कितने घंटे ये चलता है, इसका बेस कैसा है, वॉल्यूम कैसा है, यानी एवरीथिंग, लुक कैसा है, ये सब। तो उस वही क्या है होता है ना, देखिए प्राप्त तथ्यों के आधार पर लिखा गया लेख ही प्रतिवेदन है, तो वो लिखते हैं, तो वही क्या है, एक रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट दे दिया जाता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हम ऐसा सोचते हैं। देखिए इन्हीं को यहाँ पर परिभाषाओं के बारे में के द्वारा बताया गया है। और इस तरीके समझते हैं परिभाषाओं के द्वारा, देखिए गुड़े एवं हार्ट के अनुसार, देखिए गुड़े आपको लगभग हर एक परिभाषा देते हुए मिल जा रहे हैं, तो आप ऐसा काम करिए कि गुड़े और हार्ट को तो एकदम कंठस्थ कर लीजिए, और एक है कार्लिंगर, उनको भी याद कर लीजिए। भले ही आपको उनकी परिभाषाओं पूरी अच्छी तरीके से याद ना हो, लेकिन इन दो वैज्ञानिकों, दो तीन वैज्ञानिक हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए, बस इनका नाम देकर उसके बाद आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। हाँ, बस कुछ कुछ चीज़ें जो इन्होंने कहा है उसको आप उसको इंक्लूड कर दीजिए, उसके बाद अपनी भाषा में जो भी लिख देंगे वही बस गुड़े और हार्ट ने कहा है, ठीक, बस रटने की जरूरत नहीं है, बस आप समझ लीजिए कि इसमें कहा क्या है, ये कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या कहना चाहते हैं कि विज्ञप्ति को तैयार करना अनुसंधान का एक अंतिम चरण है एवं इसका उद्देश्य रुचि लोगों के अध्ययन के समस्त परिणामों को पर्याप्त विस्तार से बताता है या बनाता है एवं उन्हें इस तरह से व्यवस्थित करता है या करना है जिससे
प्रत्येक पाठक को तथ्यों को समझने एवं स्वयं के लिए निष्कर्ष की प्राथमिकता का निश्चय करने के योग्य बन जाता है। थोड़ा सा कठिन है, फिर समझते हैं। इंग्लिश में देखते हैं क्या हो रहा है कि द प्रिपरेशन ऑफ द रिजल्ट इज देन द फाइनल स्टेज ऑफ अ रिजल्ट सॉरी फाइनल स्टेज ऑफ रिसर्च एंड इट्स पर्पज इज टू कन्वे टू इंटरेस्टेड पर्सन देखिए इंटरेस्टेड पर्सन द होल रिजल्ट ऑफ द स्टडी सफिशियंट एंड अरेंज टू इनेबल ईच रीडर टू कंप्रेंड द डाटा एंड डिटरमाइंड फॉर हिमसेल्फ टू वैलिडिटी ऑफ द कंक्लूजन। नहीं समझ आया, फिर से देखते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, इंग्लिश वाले समझते हैं कि द प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट इज देन द फाइनल स्टेज ऑफ रिपोर्ट। जैसे मैंने बताया कि क्या है, वो रिसर्च का एक फाइनल स्टेज है। जो रिपोर्ट अब जब दे तैयार कर दिया जाता है तो वो क्या है, वो रिसर्च का फाइनल स्टेज है। एंड इट्स पर्पज इज टू कन्वे टू इंटरेस्टेड पर्सन द होल रिजल्ट ऑफ द स्टडी सफिशियंट एंड अरेंज टू द इनेबल ईच रीडर टू कंप्रीहेंड द डाटा एंड डिटरमाइन द हिमसेल्फ द वैलिडिटी। इसका मतलब ये है कि इसका एक ये मकसद होता है कि जिसके द्वारा प्रत्येक, यहाँ लिखा ना कि ईच रीडर यानी प्रत्येक इनेबल, प्रत्येक रीडर को इस प्रकार से बता दिया जाए कि वह उसको डिटरमाइन कर सके और समझ सके कि डाटा दिया क्या गया है। जैसे मैंने फ्लिपकार्ट वाला उदाहरण लिया, उसमें क्या रहता है कि ऐसी बात नहीं है कि बस जो कस्टमर रहते हैं वही फीडबैक देते हैं या फिर वही उसके उस प्रोडक्ट के बारे में लिखे रहते हैं। कंपनी भी लिखी रहती है लेकिन कंपनी की अपनी अलग सी भाषा रहती है, तो लेकिन अलग भाषा रहती है तो होता क्या है कि जो रियल लाइफ में जो अपना अनुभव एक्सपीरियंस किए रहते हैं तो वो अच्छे से समझते हैं कि इसमें कहा क्या है। भाई कंपनी अपने हिसाब से बताई कि कंप्यूटराइज रहती है, उसमें बताई कि हाँ बेस इतना चलेगा, तो ये तमाम किस्म की बातें बोलती है, कुछ तो समझ में नहीं आती है। मैं खुद जब ऑनलाइन खरीदारी करता हूँ, शॉपिंग करता हूँ, तो प्रीफर करता हूँ कि कितने लोग कितना रिव्यू दिए हैं, कितना रेटिंग दिया, क्या क्या लिखे उसके बारे में। जो फोटो इसमें दिखाई रहती है प्रोडक्ट का, उसको ना देखकर जो रियल जो फोटो लगाए रहते हैं जो कस्टमर जो सेंड करते हैं फीडबैक देते हैं उसको देखता हूँ, क्योंकि उनका जो फोटो रहता है वो कभी कभी लो लाइट में, कोई कभी अच्छी लाइट में, यानी अच्छी लाइट वाला भी और लो लाइट दोनों में के हिसाब से प्रोडक्ट वहाँ पर मिल जाएगा। तो उसके हिसाब से मैं समझ सकता हूँ और मुझमें ये हो जाती है कि वो क्या है, ईच रीडर कंपेयर द डाटा, मैं उस डाटा जो दिए गए डाटा को अच्छे से समझ लूँगा, डिटरमाइन कर दूँगा हिमसेल्फ। ठीक, तो यही इसमें भी बोल रहा है कि रिपोर्ट क्या है, कि अगर बात यह है कि कोई भी रिसर्च की जो एंड रिजल्ट निकल के आता है वो बहुत ही टफ होता है अधिकतर। इसमें क्या होता है, क्योंकि रिसर्च निकल कर आया, मान लीजिए कि एक रिसर्च निकल के आया ऐसे एक बड़ा सा पेज में, सबके पढ़ने को थोड़ी नहीं पढ़ पाएंगे इसको। ठीक है, ये रिसर्च है। अब इसमें क्या कर, इस रिपोर्ट में होता क्या, रिसर्च रिपोर्ट में होता क्या, देखिए कि इसमें जो निकल के एंड रिजल्ट निकल के आता है तो उसमें जो जो समस्या रहती है, समस्याएं को सॉल्व करने के मेथड उसमें लिखा रहता है और अन्य सारी चीज़ें रहती हैं, तो इन सबको बेस मानकर एक छोटा सा समरी आप समझ लीजिए कि समरी के तौर पर हम इस रिपोर्ट को रखते हैं, इस एंड रिजल्ट के समरी के तौर पर कि इसमें दिया क्या गया है, ताकि जो दूसरे लोग हैं यानी सभी लोग ईच रीडर यानी दूसरे लोग हैं इसके बारे में अच्छे से समझ सकें। मान लीजिए कि कोई किताब है, इतनी मोटी किताब है लेकिन उसके जो फर्स्ट पेज में ही लिख दिया रहता है कि ये किताब किसके बारे में है और ये कहना क्या चाहती है, तो एक छोटा सा क्लू मिल जाता है कि इसके ये किताब किस चीज़ के बारे में है। कभी कभी होता है कि हेडिंग से पता चल जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे टॉपिक और ऐसे हेडिंग होता है जो टाइटल होता है उससे पता नहीं चल पाता है कि किताब कहना क्या चाहती है, तो उसका जो समरी होता है वहाँ से जो फर्स्ट पेज होता है वहीं से समझ में आ जाता है कि ये कहना क्या चाहता है, सेम वही चीज़ ये है। ठीक, तो इसको अब गुड़े और हार्ट को समझ ली है। अगला है कि अमेरिकन मार्केटिंग सोसाइटी के अनुसार समझ ली कि उन्होंने कहा क्या है, क्योंकि यूनिट फोर का है, यूनिट फोर का पहला ये चैप्टर पहला पॉइंट है। ठीक, पहला टॉपिक है, तो इसलिए आपको ये बात जाननी जरूरी है, ये जरूर पूछेगा। ठीक, ये बोल रहे हैं कि प्रतिवेदन का उद्देश्य अभिरुचि रखने वाले यानी जो इंटरेस्टेड पीपल हैं, ठीक है, अभिरुचि रखने वाले कर्मियों को
अध्ययन के संपूर्ण परिणाम से अधिक विस्तार पूर्वक ऐसे व्यवस्थित ढंग से प्रत्येक वाचक दत्तों, दत्तों में से होता है इसका मतलब डाटा होता है, दत्त मतलब डेटा होता है, जो डेटा हम हैं डाटा को समझने में समर्थ हो सके, होता है ना कि अधिक विस्तार पूर्वक कौन अभिरुचि में, मुझे वो चीज़ खरीदनी है, मुझे एयरफोन खरीदना है, मुझे एयरबड जो बड़ा वाला हेडफोन उसको खरीदना है, तो उसको समझने क्योंकि मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, तो उसको समझने के लिए क्या है संपूर्ण परिणाम को अधिक विस्तार पूर्वक, क्योंकि मैं लिखूँगा तो भाई कंप्यूटर वाली भाषा में तो अपना फीडबैक दूंगा नहीं, मैं तो लिखूँगा कि हाँ ये अच्छी चलती है, इसका बेस बहुत बढ़िया है, मैंने चार्ज किया था 2 घंटा, ये चला था कम से कम 3 दिन चला था, मैं ऐसे लिखूँगा, एकदम आम बोलचाल की भाषा में लिखूँगा। तो इससे क्या होता है कि जो इंटरेस्टेड अभिरुचि रखना जो इंटरेस्टेड कस्टमर होते हैं वो क्या होते हैं उससे ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, अच्छी तरीके समझ पाते हैं। ठीक, ऐसे व्यवस्थित ढंग से प्रत्येक परिणामों की प्रामाणिकता को निर्धारित करना है। ठीक है, उससे क्या होगा कि उसकी प्रामाणिकता निर्धारित होती है, और यही नहीं है कि बस मैं सही सही लिखूँगा, कभी कभी ये होता है कि कुछ लोग होते हैं कि लिख देते हैं कि अरे नहीं ये बहुत ख़राब है ऐसे, क्योंकि उनके पास कभी कभी क्या होता है कि ऑनलाइन में यही ऑनलाइन शॉपिंग में थोड़ा सा ये दिक्कत हुई कि वो लोग लोकल माल भी दे देते हैं, यानी फेक भी सामग्री दे देते हैं, तो कुछ लोग अब क्या करेंगे कि उसमें उसके डिफेम के बारे में भी लिखेंगे, यानी मुझे उसके खूबियों के साथ साथ उसकी बुराइयाँ भी पता चल रही है। ठीक, तो यानी और मतलब बहुत ही अधिक विस्तार पूर्वक और व्यवस्थित ढंग से पता चल रहा है, वो बोलेगा कि नहीं मैंने जूता खास कर मैंने जूता में जैसे दिखेगा सूज जो होते हैं फोटो में कितना अच्छा दिखता है, लेकिन किसी के पास उतना बेहतरीन होता है तो वो अपना लिखता है कि हाँ बहुत है, इसका कलर अच्छा है तो उसका कपड़ा अच्छा है, तो या तमाम किस्म के बातें हैं, वही दूसरा लोग कहेगा कि नहीं मैंने मंगाया था 6 नंबर का आ गया 7 नंबर का, या भी कुछ भी मैंने ये मंगाया था इस रंग का आ गया इस रंग का लेकिन अच्छा नहीं है, ऐसे करने पर मतलब तमाम किस्म की बातें, अच्छाई बुराई दोनों बहुत ही विस्तारपूर्वक पता चल जाती है। ठीक है, यही क्या है रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट एक तरह से प्रस्तुत करते हैं, फीडबैक देते हैं, सेम यही चीज़ है, उम्मीद है बात समझ में आई होगी। आप लोग स्क्रीन शॉट लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। हम देखते हैं कि अनुसंधान प्रतिवेदन यानी रिसर्च रिपोर्ट के क्या उद्देश्य हैं। उद्देश्य और महत्व दोनों एक ही जैसे होते हैं, जो उद्देश्य होता है वही उसका महत्व ही होता है, जैसे समझ लीजिए, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ नहीं लिखा है क्योंकि इससे क्लास भी लंबी होगी और टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम करेगा। देखिए यहाँ पर है कि जटिल व अव्यवस्थित तथ्यों को व्यवस्थित करना, भाई रिपोर्ट एक रिसर्च रिपोर्ट की क्या महत्व हो सकते हैं, क्या उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है कि जटिल व अव्यवस्थित तथ्यों को व्यवस्थित करना, जैसे कि मतलब ये हो कि आप मोबाइल का सबसे पहला उदाहरण ले लीजिए, मैं जानबूझ के ऐसे उदाहरण लेता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि जो हमारे डेली रूटीन में है बना हुआ है, मोबाइल है, हेडफोन है, ये सब भाई जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, आजकल शॉपिंग भी कर रहे हैं ऑनलाइन, तो मुझे ये लगता है कि जैसे मुझे समझ में आता है वैसे आप भी इस बात को समझ सकते हैं। होता क्या है कि जब हम कोई नए मोबाइल लिखते हैं तो उसमें इस भाई ऐसे ऐसे प्रकार की लिखता है कि भाई ये हीलियो G85 है, तो गोरिल्ला ग्लास है, तो कोई भी एंड्रॉयड 10 है, ये मतलब तमाम किस्म की बातें ऐसी कुछ रहती है जो हमें समझ में नहीं आती, भाई क्या होता है इसका मतलब, हीलियो G85 के क्या मतलब है, कभी कभी रैम ये वो तमाम किस्म मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो समझ में नहीं आती हैं। लेकिन वही अगर कोई कस्टमर है वह क्या करता है कि उसको वो नहीं लिखेगा कि भाई इसका ये दिया गया है, वो ये लिखेगा कि हाँ बहुत अच्छा चलता है, मैंने पबजी डाउनलोड करके देख खेल रहा हूँ तब भी ये हैंग नहीं कर रहा है, गर्म भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हम ये सोचेंगे कि अच्छा मोबाइल अच्छी है। जब ये पबजी को ये लड़का 2 घंटा खेल रहा है और इस पर उसके मोबाइल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, गर्म नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये मोबाइल सही है, मुझे तो वैसे भी बस नॉर्मली यूज करना है, बस पढ़ना है और बस कैजुअल यूज करना है, तो इसका मतलब जब ये पबजी को संभाल रहा है तो 3 घंटा वो दिन भर खेल रहा है तब भी स्लैंग नहीं हो रहा है, हैंग नहीं कर रहा है, वो गर्म नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये मोबाइल सही है। यानी जो कठिन था जटिल रो था अब वही कंपनी ने बता दिया था कि भाई जी उसका प्रोसेसर इतना है, उसका प्रोसेसर 3 पॉइंट कुछ करके जो दिया जाता है, तो हमें ये नहीं समझा था कि प्रोसेसर इसका ऐसे क्यों दिया गया है, उसका प्रोसेसर और जो उसमें दिया जाता है अन्य जो सामग्री दी रहती है वो सब बताती है कि ये फ़ोन बहुत ही टफ बनाया गया है, ये हैवी गेम्स भी इसमें आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे पल्ले नहीं पड़ता है,
अगर वहीं पर कोई दूसरा क्या करे, लिख देगा फीडबैक, एक रिपोर्ट तैयार कर देगा, तो क्या होता है कि जटिल जो भी समस्या है, अव्यवस्थित जो भी तथ्य हैं, वो क्या होते हैं, सिस्टमाइज तरीके से हो जाते हैं। ठीक, लिखा है कि टू सिस्टमाइज कॉम्प्लेक्स एंड स्कैटर्ड फैक्ट्स। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अगला देखते हैं कि अध्ययन पद्धति की सार्थकता का मूल्यांकन, इसका महत्व उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि जो पद्धति, अब भाई वो अलग हो गया, आप मैं इसलिए दोनों एक साथ लेकर चलता हूँ कि आप अच्छे से अपना दिमाग खोलकर सुनिएगा कि एजुकेशन को और रियल लाइफ दोनों को कनेक्ट करके चलते हैं, ठीक, ताकि समझ भी आए और एजुकेशन भी रहे। अब यहाँ पर लिखा गया है कि अध्ययन पद्धति की सार्थकता का मूल्यांकन, यानी आप एक रिसर्चर हैं तो आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई पद्धति यानी कोई ना कोई मेथड को जरूर उपयोग किए होंगे, उपयोग करेंगे तभी भी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो वही लिखा कि अध्ययन पद्धति, जो भी मेथड आप यूज किए हैं उसकी सार्थकता कितनी दूर तक है या कितनी है, इसके बारे में पता चलता है। लिखा है टू इवेल्युएट रिलेवेंस ऑफ वेरियस रीडिंग मेथड्स। ठीक, आगे है कि ज्ञान के विस्तार के लिए, भाई ज्ञान के विस्तार के लिए, फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द नॉलेज, नॉलेज के लिए, ज्ञान के विस्तार के लिए भी हम ये रिपोर्ट देते हैं। इससे क्या होता है, कुछ जानकारी हमें रहती है, कुछ जानकारी कुछ और लोग दे देते हैं, कुछ और लोग की जो रिपोर्ट होती है वो दे देती हैं, तो हमें और ज़्यादा जानकारी हो जाती है। ऐसे क्या था कि हमें पता नहीं था कि भाई 3 GB वाली, 1 GB वाली, 1 GB रैम वाली मोबाइल कैसी होती है, 2 GB रैम वाली मोबाइल कैसी होती है, लेकिन लोग बताते बताते समझ में कि नहीं यार, और ये समझ में कि अच्छा जितना GB का रहेगा इसका मतलब मोबाइल उतना अच्छा चलती, स्मूथली चलती रहती है। अभी मोस्ट ऑफ हमको भी नहीं पता है, हमको भी नहीं पता कि क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन अधिकतर ये होता है कि ये देखते हैं कि अगर 4 GB मोबाइल है, 4 64 है, 4 128 है, 4 32 है, ऐसे समझते हैं ना हम लोग, ऐसे मोबाइल को हम लोग प्रीफर करते हैं। तो ये होता है कि जितनी अच्छी रैम रहेगी उतना अच्छा मोबाइल चलेगा, नहीं तो वही कुछ दिन बाद मोबाइल क्या होता है, हैंग करने लगता है। तो यही बोलता है कि ज्ञान की, भाई इससे हमारे ज्ञान के विस्तार भी हो रहा है, क्योंकि सामने वाला बता रहा है कि नहीं जो आप 4 32 में लेंगे तो इतना चलेगा, अगर आप 4 132 में लेंगे, सॉरी 4 128 में लेंगे तो ये और ज़्यादा स्मूथ चलेगा। तो हम क्या करेंगे, ठीक है कुछ पैसा और लग जाएगा मेरा, कम से कम बढ़िया मोबाइल तो मेरे पास होगी। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे ज्ञान का उसका विस्तार हो रहा है। अगला है कि कार्यकरण संबंधी संबंधों का स्पष्टीकरण, यानी क्लेरिफिकेशन ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स, यानी जो भी कार्य इसमें किया गया है, आप रिसर्च में जो भी काम किए हैं उसका क्या है, उसका जो भी संबंध है, रिलेशन है, उसमें एक स्पष्टीकरण यानी क्लेरिफिकेशन देता है। फिर मैं मोबाइल पर ही आऊँगा, उसमें जो भी कार्य किए हैं, जो भी फंक्शन है, जो भी टास्क मोबाइल करता है उसके बारे में हमें स्पष्टीकरण होता है कि ये पबजी खेलने से नहीं हैंग करेगा, बहुत ज़्यादा हैवी आप कर सकते हैं, इसके अलावा इसका कैमरा बहुत अच्छा है, यानी जो भी इसके कार्य हैं उसके बारे में हमें स्पष्टीकरण होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अनुसंधान प्रतिवेदन का क्या है प्रारूप। इसको सिर्फ हमने बना दिया है, इसके डीप में जाने का कोई मतलब नहीं है, बस आप जान लीजिए कि ये होते क्या है, ये होता क्या है। एक रिसर्च रिपोर्ट को आप एक किताब के भांति मान सकते हैं, किताब की भांति या किताब ही होता है। जब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे तो रिसर्च किया जाता है, तो क्या होता है कि थीसिस लिखा जाती है, तो वो सब इसमें काम देता है, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग हायर एजुकेशन में बढ़ रहे हैं, तो इसलिए इसको यहाँ पर दिया गया है कि उसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ जानते रहिए। ठीक, यहाँ पर है कि प्रारंभिक भाग यानी प्रिलिमिनरी पार्ट, यहाँ पर प्रमुख भाग यानी मेन पार्ट्स, और अगला है संदर्भ भाग यानी रिफरेंस सेक्शन। बस आप जानिए कि इसके अंडर आता क्या है, इसके बारे में हम कुछ खास पढ़ने वाले हैं नहीं। अगला है, देखिए लिखा है पहला कि इसमें शीर्षक, प्रारंभिक भाग में होता है शीर्षक यानी टाइटल पेज होता है किसी भी किताब के लिए। किताब कैसे बनता है, ऐसे खैर समझ लीजिए कि मतलब ये किताब है। ठीक है, इस किताब का क्या है, एक शीर्षक पेज होता है, भाई टाइटल पेज होता है जो आप इसके पीछे में होता है। उसके बाद एक विषय सूची होती है यानी टेबल ऑफ कंटेंट होता है, और साभार स्वीकृत पृष्ठ यानी एक्नॉलेज पेज होता है, और प्राकथन यानी प्रेफरेंस होता है, फिर सारणी आकृति की सूची यानी लिस्ट ऑफ टेबल एंड फिगर्स होता है। अब मेन पार्ट में क्या क्या होता है इसको देखिए। मेन पार्ट में होता है इंट्रोडक्शन, किताब होता है उसका एक प्रवेश, विषय प्रवेश होता है,
उसमें क्या है, इंट्रोडक्शन लिखा रहता है किताब के बारे में कि किताब है क्या और क्या रहता है प्रोसीजर, किस किस प्रकार से गुजरा है, और खोजे रिफरेंस, और ये यहाँ पर निष्कर्ष, एक कंक्लूजन निकल के आती है। यहाँ पर क्या लिखा है कि पाठ टिप्पणी यानी फुटनोट्स, और क्या है संदर्भ ग्रंथ सूची यानी बिब्लियोग्राफ, और है देखिए बिब्लियोग्राफ संदर्भ ग्रंथ सूची, आप किताब उठाकर देखेंगे कोई भी तो उसमें कहीं ना कहीं उसमें लिखा रहता है कि प्रेफरेंस कौन सी चीज़ें ली गई है, कहाँ कहाँ से उठाई गई है, यही दिखा है कि संदर्भ ग्रंथ सूची, ऐसे थोड़ी नहीं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें लिखी रहती है, तो वही लिखा है। और क्या है निष्कर्ष यानी कंक्लूजन, परिशिष्ट यानी अपेंडिक्स, और है अभिसूची यानी इंडेक्स, ये सब चीज़ें एक थीसिस एक रिसर्च रिपोर्ट में होती हैं। ठीक, आप लोग स्क्रीन शॉट लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं कि एक रिसर्च रिपोर्ट बनाने की क्या क्या समस्याएँ का सामना करना पड़ता है। ठीक है, हम देखते हैं कि अनुसंधान प्रतिवेदन तैयार करने की सीमाएँ यानी रिसर्च रिपोर्ट को तैयार करने में कौन कौन सी सीमाएं होती हैं या फिर कौन कौन सी बाधा होती हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि भाषा की समस्या यानी प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज, सबसे पहले आती है प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज। मैंने बताया जस्ट बताया ना कि मोबाइल वाला जो सिस्टम है वो अपनी टेक्निकल भाषा बताते हैं जो कि हमारे पल्ले बिल्कुल ही नहीं पड़ती है, हमें तो भाई नॉर्मल भाषा में समझाइए कि क्या है इसका मतलब, क्यों बोल रहा है इसका प्रोसेसर इतना है 2.85 क्यों लिया है, और HGH कुछ जेड के कैसे लिखा रहता है, वैसे क्यों है वो लिथियम बैटरी क्यों, लिथियम बैटरी का क्या मतलब है उस, अब गए दुकान पर भी गए हैं तो वो सामने वाला समझाएगा कि सर लीजिए मोबाइल बहुत अच्छी है, लिथियम इसमें बैटरी लगी है, इसका प्रोसेसर ये है, तो हम किसी को बातें हैं, लेकिन क्या प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज, हमें उसकी भाषा ही नहीं समझ आ रही, वो टेक्निकल भाषा में बातें कर रहे हैं, हम उसको समझ में नहीं आ रहा है, मुझे रिपोर्ट मुझे बता रहा है इस मोबाइल के बारे में, एक पर्टिकुलर मोबाइल वाले में रिपोर्ट बता रहा है, लेकिन हमें उसकी भाषा नहीं समझ आ रही है, तो ये इसकी सीमाएं में आती है कि क्या कि भाषा की समस्या आती है। और देखिए तकनीक संबंध शब्दों की समस्या प्रॉब्लम ऑफ टेक्निकल वर्ड्स, वही जैसे मैंने बताया कि टेक्निकल वर्ड्स उसमें यूज किए गए हैं या फिर वो यूज कर रहा है, आप चाहे ऑनलाइन पढ़िए या फिर शॉप पर जाकर लीजिए, दुकान वाला बताएगा वो भी बताएगा, तो वो वही सब बताएगा जो टेक्निकल वर्ड्स में भी बताएगा, जो कि आपके बिल्कुल भाषा के समझते हैं और टेक्निकल यूज वर्ड्स का ज्ञान ही नहीं है, तो ये थोड़ा सा समस्या आती है। अगला क्या है कि पाठकों के ज्ञान की समस्या, भाई हम लोग भी ज्ञान की समस्या है, प्रॉब्लम ऑफ द नॉलेज ऑफ रीडर्स, यानी कोई भी रिसर्च बन के आई है जो रिपोर्ट है उसमें लिखा गया है तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या फिर देखिए कोई भी किताब होती है उसका एक मानक होता है, उसका एक स्टैंडर्ड होता है, उस हिसाब के लोग उसको पढ़ें तो ही ठीक होता है। अब मान लीजिए कि हम ही लोग हैं कुछ, अब हम लोग का एजुकेशन है, हम लोग मान लीजिए कि मेडिकल का लगे पढ़ने, मेडिकल किताब उठा के पढ़ने लगे तो क्या हमें समझ में आएगा वो चीज़ें, बिल्कुल नहीं समझ में आएगी, वो तो वो क्या है कि प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज ऑफ रीडर्स, क्योंकि उसकी अलग भाई समझ उसका अलग ज्ञान है, हमारे ज्ञान वहाँ तक नहीं पहुँचा है, और कोई दूसरा आदमी है वो अगर इस सबको पढ़ेगा तो उसको भी नहीं समझ में आएगा कि ये सब क्या पढ़ा रहे हैं, हमें तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है भाई, इवन BTC वाले इसको नहीं समझ पाएंगे कि ये क्या है, आप खुद नहीं समझ पा रहे कि ये एक्शन रिसर्च है क्या, तो कुल मिलाकर यही है कि सत्य को नहीं सॉरी पाठकों के ज्ञान की समस्या होती है, ये एक रिपोर्ट तैयार करने की सीमाएँ हैं यानी रिसर्च रिपोर्ट तैयार करने में सीमाएँ में आता है। अगला है कि सत्य को अभिव्यक्त करने की समस्या, सत्य को अभिव्यक्त कैसे करें कि प्रॉब्लम ऑफ एक्सप्रेसिंग द ट्रूथ, इसका कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का मतलब ये है कि मैं कैसे बताऊं कि मोबाइल अच्छा है या फिर कैसे बताऊं कि इसका कैमरा अच्छा है, बोल दे कि अरे यार 45 मेगा पिक्सल का है, तो मेगा पिक्सल क्या मतलब है, तो मैं इसको कैसे बताऊं कि, या फिर आप कैसे बताएंगे, कोई पूछ रहा है कि भाई आपका मोबाइल तो बहुत अच्छा है यार, हाँ हमने लिया 20,000 का मोबाइल लिया है, तो बताओगे कि इसमें दिया 64 मेगा पिक्सल कैमरा है, तो उसको अगर नहीं पता जाएगा उसको ज्ञान की समस्या, देखिए यहाँ पर लिखा है ना कि पाठ ज्ञान की समस्या है, तो क्या है कि सत्य को अभिव्यक्त करने की भी समस्या आएगी कि आप उसको कैसे बताएंगे, पूछेंगे कि 64 मेगा पिक्सल का क्या मतलब है, क्या करेगा इसलिए क्या करेगा, तो आप उसको कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे आप उसको कैसे बताएंगे कि ये बढ़िया है, यही बताएंगे कि आप इसको जूम कर सकते हो फटेगा नहीं इसका फोटो, यही सब है, और क्लियरिटी आएगी, ये सब तो हम किसी को बातें हैं, तो क्या कहेगा, तो इसका मतलब ये कैमरा फेल कर देगा क्या, जो
बड़े बड़े कैमरे होते हैं, क्या उसको भी फेल कर रहा है? इसका मतलब वो न ले ही ले। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि ट्रुथ जो सत्य को अभिव्यक्त करने की थोड़ी कहीं कहीं ना कहीं समस्या आती है। ठीक, अगला है कि वस्तुनिष्ठता की समस्या, यानी प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, यानी प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि होता ये है कि हम एक पर्टिकुलर चीज़ में ही रह जाते हैं, भाई हमारा टेक्निकल विषय नहीं है तो हम उस क्षेत्र में हम लोग को उतना ज्ञान नहीं है, तो वही क्या है कि हमें प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, उसमें हमें ज्ञान नहीं है, ये थोड़ी सी समस्या आती है। रिसर्च में हमें ज्ञान नहीं है कि रिसर्च में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होती है, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, ये सब का हमें पर ज्ञान नहीं है। ठीक, तो यही है कि प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। अब लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, तो ये हमने आज पढ़ा हमारा अनुसंधान प्रतिवेदन यानी रिसर्च रिपोर्ट। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही प्रयास किया आपको समझाने की। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।